हेलो एंड वेलकम टू 9 AM लर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आप चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 8th क्लास से लेकर के 12th तक किसी भी क्लास में हो, आपकी हर जगह ये काम आएंगे। और इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक हमारे पास पूरा सेट रहेगा, जिनको हम डेली लेकर के आएंगे आपके सामने और इनको हम ट्रिक से समझेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा गाल एंड वाम वुड। तो इसका मतलब होता है हमारा हेटफुल। हेटफुल का मतलब होता है नफरत वाला। अब देखिए, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है गाल एंड आर्म। गाल एंड आर्म का मतलब है कि वो गाल से लेकर के आर्म तक, यानी कि भुजा तक, पूरी तरीके से हेटफुल है। मतलब हर कोई उससे नफरत करता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है शुरुआत में ही खत्म हो जाना। तो एक निप और पेन, यानी कि एक निप पेन आता था जो कि मैं खरीद के लाया शॉप से, और वो जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट करा लिखना तो वो शुरुआत में ही खत्म हो गया। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा गेट द शेक। गेट द शेक का मतलब होता है बर्खास्त किया जाना। अब इसकी देखिए हमने ट्रिक बनाई है गेट और शेक। देखिए, कुछ स्टूडेंट थे, यानी कि जो स्कूल स्टूडेंट थे, वो क्या कर रहे थे, गेट के बाहर खड़े होकर के शेक पी रहे थे। गेट के बाहर खड़े होकर के शेक पी रहे थे, जिसकी वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है संदेह की स्थिति, यानी कि संदेह के तहत। अब देखिए, किसान लोग जो कि जिनकी फसल पकी हुई खड़ी थी, अब देखिए वहाँ पे क्लाउड आ गया, यानी कि बादल आ गए। तो क्लाउड आने की वजह से उनमें संदेह की स्थिति आ गई कि पानी, बारिश होगी या नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा टू कीप इन अवेयंस। अब देखिए, टू कीप इन अवेयंस का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था में, मतलब बिल्कुल कुछ है नहीं बॉडी में, इस तरीके से हालत हो जाना। क्लियर है आप लोगों को? टू कीप इन अवेयंस, टू कीप इन अवेयंस का मतलब है इन द स्टेट ऑफ सस्पेंशन, मतलब निष्क्रिय की अवस्था में। अब अवेयंस से मैंने बनाया अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, तो उसने इतनी मेहनत करी उस स्वच्छ भारत अभियान में कि वो पूरी तरीके से इन द स्टेट ऑफ सस्पेंशन हो गया, यानी कि निष्क्रिय की अवस्था में हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ है हमारा टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू मेक पीपल कंफर्टेबल, मतलब वो जो होते हैं ना, एकदम से फ्रेंडली हो जाना। फ्रेंडली मतलब समझ रहे होगे कि किसी नए पर्सन से मिले, नए पर्सन से मिलने के बाद में एकदम से फ्रेंडली हो जाना। तो देखिए, अब हम उसने क्या करा, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है ब्रेक और आइस। तो आइस को ब्रेक जो कर दे, मतलब आइस को जो ईजिली ब्रेक कर दे, कोई इंसान खड़ा है उसके पास गया और उससे बात की, मतलब उसको पिघला दिया, पिघल गया वो। जैसे ही वो पिघल गया तो वो एकदम से उससे बात करने में कंफर्टेबल हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक कुक्कू इन द नेस्ट। कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान, यानी कि अनचाहे मेहमान। तो कुक्कू से मैंने बनाया काकू। जो काकू जी नेस्ट लेकर आए हैं ना चिड़ियों का हमारे घर, वो बिन बुलाए मेहमान है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बट इन। बट इन का मतलब होता है बाधा डालना। बट इन का मतलब होता है बाधा डालना, मतलब रुकावट डालना। अब देखिए, बटन को मैंने किस तरीके से बनाया है, बातें। अब जो इंसान आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करके गया है कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वही लोग आगे आकर के तुम्हारे काम में बाधा डालेंगे। क्लियर है? बटन मतलब बाधा डालना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड गुड चेज। वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है एक बेकार कोशिश, मतलब निरर्थक प्रयास, मतलब करते रहो कोशिश, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इसकी मैंने ट्रिक कैसे बनाई है। वाइल्ड में गूज, मतलब जंगल। वाइल्ड का मतलब होता है जंगल, में गूज, गूज का मतलब होता है हंस। अब देखिए, जंगल में जो हंस है उसके पीछे आप कितना ही भागते रहो, वो पकड़ में नहीं आएगा, मतलब उसको पकड़ने की आप बेकार कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है पूरी तरह से पलटना, मतलब पूरी तरीके से पलट जाना। पहले जो उन्होंने बात बोली उससे वो पूरी तरीके से पलट गए। तो इसका मैंने बनाया है टर्न टोटल। टोटल का मतलब होता है पूरी तरीके से, टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना, मतलब जो भी पहले वो मतलब हमारे सपोर्ट में थे, अब वो पूरी तरीके से पलट गए। इस तरीके से आपको इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेल लाइक होट केक्स। सेल लाइक होट केक्स का मतलब होता है
बहुत अच्छी सेल हो जाना, मतलब बहुत अच्छी बिक्री हो जाना। अब देखिए, लड़कियों के कॉलेज के बाहर अगर आप गरम केक की शॉप लगाओगे, लड़कियों के कॉलेज के बाहर अगर आप गरम केक की शॉप लगाओगे तो वहाँ पे आपको 100% अच्छी सेल होगी। क्लियर है? तो वहाँ पे आपको 100% अच्छी सेल होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोर कीप्स। फोर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए। फोर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए। अब देखिए, कीप्स से मैंने बनाया कीप। अब देखिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। फोर कीप्स का मतलब हमेशा के लिए, और इसका मैंने ट्रिक बनाई है कीप, मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। नेक्स्ट है हमारा पेल इंटू सिग्निफिकेंस। पेल इंटू सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, मतलब जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। अब देखिए, एक ग्रीन साइन होता है, एक पेल साइन होता है, यानी कि पीला साइन होता है, एक ग्रीन साइन होता है। ग्रीन साइन की बहुत वैल्यू होती है, और जो येलो साइन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी ट्रिक है पीला हस्ताक्षर, यानी कि जो पीले साइन करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा बटन्स बंस लिप्स, मतलब किसी शांत शांत कर देना, मतलब किसी को शांत कर देना। बटन बंस लिप्स का मतलब होता है किसी को शांत कर देना। अब बटन का मतलब, बटन जो होती है बंद करने वाली किसी चीज़ को, तो मैंने मतलब इसकी ट्रिक बनाई है कि किसी के लिप पे अगर आप बटन लगा देंगे तो सीधी सी बात है उसके जो लिप होंगे वो बंद हो जाएंगे, यानी कि वो शांत रह जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।